ताराबाई भोसले अपने बेटे शिवाजी द्वितीय के अल्पसिया होने के दौरान रिजक के कब्जे के खिलाफ प्रतिरोध को जीवित रखने और मुगल व अपने पति की मृत्यु के बाद मराठा क्षेत्रों पर शिवाजी की रानी थी। वो साम्राज्य के संस्थापक की बहू थी। राजा राम प्रथम 1700 से 1708 तक वह मराठा साम्राज्य में थी। ताराबाई मोहित वंश से आती थी। वह शिवाजी हाबीराव मोहित की बेटी थी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक हाबीराव की बहन सोयराबाई शिवाजी की रानी और उनके छोटे बेटे राजा राम प्रथम ताराबाई ने 1682 में 8 साल की उम्र में राजा राम से शादी की और उनकी दूसरी पत्नी बनी। अपने सौतेले भाई और पूर्ववर्ती संभाजी की मृत्यु के बाद राजा राम ने 1689 से 1700 तक मराठा साम्राज्य पर शासन किया, जब उनकी पहली पत्नी कोल्हापुर की शिवाजी प्रथम के नाम से जाना गया। राजा राम घोषित किया गया कि उत्तराधिकारी और स्वयं संरक्षी के रूप में शिवाजी द्वितीय महारानी थी। मार्च 1700 में राजा राम की मृत्यु पर ताराबाई ने अपने नवजात बेटे जानकीबाई शासक के रूप में ताराबाई ने मुगल सम्राट औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध की कमान संभाल की। ताकतें ताराबाई घुड़सवार सेना चलाने में कुशल थी और युद्ध के दौरान रणनीति चाले स्वयं बनाती थी। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से युद्ध का नेतृत्व किया और मुगलों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। मुगलों को इस तरह से युद्ध विराम की पेशकश की गई कि मुगल सम्राट ने तुरंत इसे अस्वीकार कर दिया और ताराबाई ने मराठा प्रतिरोध जारी रखा। 1705 तक मराठाओं ने नर्मदा नदी को पार कर लिया था और मालवा तुरंत पीछे हटना। 1706 में ताराबाई को 4 दिनों की सक्सीम आबादी के लिए मुगल सेना द्वारा पकड़ लिया गया था, लेकिन मुगल शिविर जिसमें उसे रखा जा रहा था पर मराठा द्वारा घात लगाए जाने के बाद वह भाग निकली। औरंगजेब की मृत्यु की खबर से मराठा देश को राहत मिली, जिनकी अहमदाबाद नगर में मृत्यु हुई और 1707 में महाराष्ट्र के औरंगजेब के पास खुलाबाद को दफनाया गया। वर्ष 1707 के जादूनाथ सरकार एक प्रमुख भारतीय इतिहासकार विशेष रूप से मुगल वंश के ने कहा कि दौरान इस काल में महाराष्ट्र में सर्वोच्च मार्गदर्शक शक्ति कोई मंत्री नहीं बल्कि दहेज लेने वाली रानी ताराबाई थी। उनकी प्रशंसनीय प्रतिभा और चरित्र की ताकत से उस भयानक संकट में देश को बचाया। मराठा आक्रमण को विभाजित करने के लिए औरंगजेब के बेटे अजम शाह ने अपने सेनापति जुल्फिकार खान की सलाह पर साहू प्रथम को रिहा कर दिया। संभाजी के बेटे और ताराबाई के भतीजे कुछ शर्तों पर उन्होंने तुरंत ताराबाई और उनके बेटे शिवाजी द्वितीय को मराठा राज्य व्यवस्था के नेतृत्व के लिए चुनौती दी। ताराबाई ने उसे समय मराठा जनरलों से वफादारी की मांग करते हुए कहा कि संभाजी ने वह राज्य खो दिया है जिसे शिवाजी बनाया था। राजा राम ने अपने प्रयासों से उस राज्य को पुनः प्राप्त की कर लिया था और इसलिए यह वही राज्य नहीं था बल्कि राजा राम द्वारा बनाया गया एक नया राज्य था। अपनी कानूनी स्थिति और पेशवा बालाजी विश्वनाथ के कारण ताराबाई को दरकिनार करते हुए अंततः साहू की जीत हुई। 39 की कूटनीति ताराबाई ने 1709 में कोल्हापुर में एक प्रतिद्वंदी अदालत की स्थापना की और अपने बेटे शिवाजी द्वितीय को कोल्हापुर के पहले छत्रपति के रूप में स्थापित किया, जिन्हें कोल्हापुर के शिवाजी प्रथम के नाम से जाना जाता था। हालांकि कोल्हापुर के शिवाजी प्रथम को 1714 में राजा राम की दूसरी विधवा राजसबाई ने अपदस्थ कर दिया था, जिन्होंने अपने बेटे संभाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया था। सिंहासन संभाजी द्वितीय ने ताराबाई और उसके बेटे को कैद कर लिया। 1726 में कोल्हापुर के शिवाजी प्रथम की मृत्यु हो गई। ताराबाई ने बाद में 1730 में साहू प्रथम के साथ सुलह कर ली और सतारा में रहने चली गई, लेकिन बिना किसी राजनीतिक शक्ति के।